हेलो एवरीवन वंस अगेन ए वार वेलकम टू द ऑफिशियल चैनल ऑफ जुक्टा एकेडमी टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस द गिरिराज न्यूज़पेपर जिसमें हम न्यूज़ को डिस्कस करेंगे वो थर्ड वीक की है जनवरी के उसमें हम देखेंगे कि वेरियस क्या न्यूज़ रही थी जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है प्री एज वेल एज मेन्स पर्स्पेक्टिव से आपके लिए इम्पॉर्टेंट है तो चलिए शुरू करते हैं जो इस वीक की न्यूज़ है हमारे पास द वेरी वेरी फर्स्ट न्यूज रिगार्डिंग ग्रीन एनर्जी ग्रीन एनर्जी की जब बात आती है अभी जो है रिसेंटली सीएम जयराम ठाकुर ने स्वर्ण जयंती एनर्जी पॉलिसी 2021 को जो था वो लॉन्च किया ऑल राइट right. तो इसमें हम सबसे पहले फर्स्टली यू शुड नो अबाउट द ग्रीन एनर्जी ग्रीन एनर्जी से आप क्या मतलब समझते हैं ग्रीन एनर्जी का मतलब है ग्रीन एनर्जी में बेसिकली हम कंसिडर करते हैं जैसे कि एनर्जी जो सोलर पावर एनर्जी आ जाती है विंड एनर्जी आ जाती है और एज वेल एज जो वाटर वाटर से हम इलेक्ट्रिसिटी जो तैयार करते हैं प्रिपेयर करते हैं वो सारे के सारे जो हैं ये किसके अंतर्गत आते हैं वो आते हैं आपके ग्रीन एनर्जी के रिलेटेड तो रिसेंटली इसका लॉन्च किया सीएम जयराम ठाकुर ने तो इसमें जो था कॉर्डिंग टू दिस द कैश यहां पे ग्रामेटिकल एरर है ये अब देखिए जब ग्रीन एनर्जी की बात हो रही है या स्वर्ण जयंती एनर्जी जो प्रोग्राम है 2021 का उसकी बात हो रही है तो इसमें जो है इन्होंने बोला कि मेनली जो टारगेट है वो 10,000 मेगावाट जो है एक्स्ट्रा ग्रीन एनर्जी को जो है वो प्रोड्यूस किया जाएगा थ्रू दिस पॉलिसी और इसके अलावा विथ दिस द स्टेट विल गेट और जो सरकार को राज्यों को इसके अलावा जो है एनुअल इनकम जो इंक्रीज होगी वह होगी फोर थाउजेंड करोड़ रुपीज अब जो यहां पर कैश क्रैप्ट की बात की है एज यू ऑल नो की हिमाचल सरकार का जो डेप्ट है वह इस टाइम जो ट्वेंटी नाइनटीन और ट्वेंटी ट्वेंटी का सर्वे था बजट था उसमें जो कंसिडर किया गया था वो 62,000 करोड़ रुपीज था मतलब नकदी की नकदी की जो है वो कमी है कैश की कमी है सरकार के पास डेप्ट में चल रही है ऑलरेडी तो उस चीज से ओवरकम करने के लिए ये भी एक जो है सहायता के तौर तो, पर सरकार के लिए बेनिफिशियल जो है साबित हो सकती है तो इसमें ही इन्होंने बोला कि अबाउट टू लैख करोड़ रुपीज जो है टोटल जो अमाउंट इन्वेस्ट किया जाएगा वो टू लैख करोड़ रुपीज का है और लगभग एक लाख जो यूथ है उनको एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो सकती है इस प्रोजेक्ट से और जो ऑब्जेक्टिव है स्वर्ण जयंती एनर्जी पॉलिसी का वो क्या है हिमाचल को डेवलप करना है एज ए वाटर बैटरी ऑफ द कंट्री और एज वेल एज टू एनकरेज द यूज ऑफ ग्रीन हाइड्रोजन एनर्जी और जो ग्रीन हाइड्रोजन एनर्जी है उसका जो यूज ज्यादा से ज्यादा हो पाए उसके लिए एनकरेज करना है तो यहां पे जब ग्रीन हाइड्रोजन एनर्जी की बात हो रही है आपको जो है पता होना चाहिए कि ग्रीन हाइड्रोजन एनर्जी क्या है ग्रीन हाइड्रोजन एनर्जी में हम बेसिकली जो लेते हैं हाइड्रोजन को जो है वो सेपरेट किया जाता है वाटर से वाटर का जो फॉर्मूला है ऑल ऑफ यू नो अबाउट द water formula एच टू ओ वहां से हाइड्रोजन को सेपरेट आउट करके और ऑक्सीजन को सेपरेट आउट करके थ्रू द प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रोलिस हाइड्रोजन को यूज किया जाता है जिसमें जो है लेस अमाउंट ऑफ कार्बन अमीशन होती है या लेस अमाउंट ऑफ जो हार्मफुल गैसेज जो है वो उनका एमिशन होता है या ना के बराबर होता है इसके लिए यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया गया है ग्रीन हाइड्रोजन एनर्जी का कॉन्सेप्ट सो दिस इज ऑल अबाउट द स्वर्ण जयंती एनर्जी पॉलिसी जिसका जो था लॉन्चिंग की गई सीएम जयराम ठाकुर के द्वारा और राज्य सरकार के द्वारा मूविंग टूवर्ड द नेक्स्ट न्यूज जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज है वो रिगार्डिंग है पंचायत नॉलेज सेंटर के हुआ क्या कि ड्यूरिंग द कोविड कोविड 19 के दौरान जो फर्स्ट वेव सेकेंड वेव की बात कर लें थर्ड वेव जो सबसे ज्यादा इसकी जो इंपैक्ट रहा वो स्कूल्स पे रहा क्योंकि कंप्लीटली स्कूल शट डाउन रहे मैक्सिमम टाइम में आप पिछले एक डेढ़ साल से देख सकते हैं तो इस मौके पे जो हमारे डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर है आशुतोष गर्ग डीसी कुल्लू हैं रिसेंटली इस दौरान तो उनका ही एक ब्रेन चाइल्ड था इसके पीछे जो लॉन्च किया गया पंचायत नॉलेज सेंटर को हिमाचल में तो हुआ ये कि ड्यूरिंग कोविड जो था बच्चे स्कूल नहीं जा पाते थे तो ऑनलाइन क्लासेस चल रही थी ऑनलाइन क्लासेस अब जिन बच्चों के पास फोन की अवेलेबिलिटी है नेट की अवेलेबिलिटी है वो तो लगा पा रहे थे लेकिन क्लासेस लगा पा रहे थे लेकिन जिनके पास ये सारी सुविधाएं मौजूद नहीं थी वो क्लासेस को अवेल नहीं कर पा रहे थे तो इसी के लिए उन्होंने एक जो था कॉन्सेप्ट को इंट्रोड्यूस किया कि क्यों ना हर पंचायत में जो है एक लाइब्रेरी को इंट्रोड्यूस किया जाए जहां पे जो है वो आपकी वाईफाई की सुविधा रहे नेट की सुविधा रहे और जो बच्चे क्लासेस नहीं लगा पा रहे हैं ऑनलाइन क्लासेस को अवेल नहीं कर पा रहे हैं वहां से वो कनेक्टेड रहे अपने टीचर्स के साथ अपने स्कूल्स के साथ तो इसी इसी दौरान अभी जब सेलिब्रेशन हो रही थी अटल बिहारी वाजपेयी जी की पुण्य जो, जो उनकी जन्म जन्म दिवस के ऊपर वो सेलिब्रेट किया गया उनके जो गांव वहां पे रहते थे कुल्लू के प्रेनी में वहां से सीएम जयराम ठाकुर ने इसको इनोग्रेट किया डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर आशुतोष गर्ग टुक द इनिशिएटिव उन्होंने बोला कि एटलीस्ट वन लाइब्रेरी इन ए पंचायत ठीक है द ग्राम पंचायत इन द डिस्ट्रिक्ट एंड गेव कुल्लू और जो कुल्लू है वो फर्स्ट डिस्ट्रिक्ट बनी जिसमें जो है फर्स्ट डिस्ट्रिक्ट लाए, पंचायत लाइब्रेरी का जो है वो ओपनिंग की गई चीफ मिनिस्टर जयराम ठाकुर फॉर्मर पी एम भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी ऑन देयर बर्थ एनिवर्सरी जब उनकी जन्मतिथि की एनिवर्सरी को वो मना रहे थे तो उस दौरान इसकी लॉन्चिंग की गई उद्घाटन किया गया अटल बिहारी वाजपेयी जी के रेजिडेंस में आफ्टर देयर सी एम सेट दैट इन फ्यूचर द कॉन्सेप्ट ऑफ नॉलेज सेंटर वुड बी अडोप्टेड और इसके साथ ही साथ जो है इन फ्यूचर भविष्य में जो है ये ये जो पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट है इसको पूरे हिमाचल में इंप्लीमेंट किया जाएगा हर एक पंचायत में इंप्लीमेंट किया जाएगा इनिशियली जो है इसकी लॉन्चिंग 11 पंचायत 11 पंचायतों में की गई इसके साथ ही इसमें जयराम ठाकुर ने जी ने बोला कि इन फ्यूचर जो है धीरे धीरे करके सभी पंचायतों में इसको इंप्लीमेंट कर दिया जाएगा विद द टाइम सो दिस इज ऑल अबाउट द पंचायत नॉलेज सेंटर और इनको जो नाम दिया जाएगा वो दिया जाएगा अटल ज्ञान केंद्र ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए इंपॉर्टेंट है प्री परस्पेक्टिव से ठीक है कि पंचायत नॉलेज सेंटर को किस नाम से जाना जाएगा ऑलरेड मूविंग टूवर्ड द नेक्स्ट न्यूज जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज है हमारे पास वो है रिगार्डिंग रेरा बात हो रही है रियल इस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी यहां पे अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्टर सुरेश भारद्वाज ने इसका इनोग्रेशन किया रेरा वेबसाइट फैसिलिटेट ऑल द स्टेक होल्डर एंड प्रमोटर्स थ्रू द यहां पे ये ग्रामेटिकल मिस्टेक है थ्रू द मीडियम यहां पे आएगा मीडियम ठीक है और यहां से जो रेरा वेबसाइट से है वो हित कार हितधारकों और प्रोमोटर्स के लिए विभिन्न सुविधाएं अवेलेबल होगी अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्टर सुरेश भारद्वाज जी ने इसकी लॉन्चिंग की और उन्होंने बोला कि जो अवॉइड करने के लिए जितनी भी डिस्क्रिपेंसीज आती हैं या जितनी भी बीच में दिक्कतें आती हैं चाहे वो स्टेक होल्डर्स की तरफ से हो या प्रमोटर्स की तरफ से हो उनको ओवरकम करने के लिए इस वेबसाइट का लॉन्च किया गया तो इस मौके पे उन्होंने बोला कि डिजिटाइजेशन वाज़ द नीड ऑफ द हवर और ये समय की मांग भी है कि डिजिटाइजेशन के जो आजकल दौर चला हुआ है जिसमें जो है मैक्सिमम जो आपको प्रोग्राम्स हैं वो डिजिटलाइज्ड वे में ही मिलेंगे तो उस दौरान उन्होंने बोला कि वाज इंपॉर्टेंट टू मेक द राइट यूज ऑफ टेक्नोलॉजी कि टेक्नोलॉजी का जो है वो राइट right यूज किया जाए द स्टेक होल्डर एंड प्रोमोटर्स गेट इंफॉर्मेशन एट द क्लिक ऑफ बटन बस कि उनको जो है क्लिक ऑफ बटन में पूरी की पूरी जो है इंफॉर्मेशन अवेल हो जाएगी जो भी रिगार्डिंग रहेगी किसके रियल इस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी की। ही ऑल्सो सर देर द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ रेरा वॉज टू ब्रिंग उन्होंने यह भी कहा साथ में कि जो बेसिक प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है किसका रेरा वेबसाइट का इस जो प्रोग्राम लॉन्च किया जो ट्रांसपेरेंसी है उसको लाया जाए अमंग द पीपल ट्रांसपेरेंसी टाइमली डिलीवरी ऑफ द रियल स्टेट प्रोजेक्ट एंड जनरेट फेथ एंड कॉन्फिडेंस Among the, किसके बायर्स जो प्रॉपर्टी को खरीद रहे हैं और साथ के साथ बेचने वालों के लिए भी ये काफी ज्यादा मददगार या हेल्पफुल साबित होगा सो दिस इज ऑल अबाउट द रेरा रियल स्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी जिसकी लॉन्चिंग की श्री राम सुरेश भारद्वाज जी ने मूविंग टूवर्ड द नेक्स्ट न्यूज ये हमारे पास लास्ट वीक भी न्यूज में था स्वावलंबन योजना ठीक है स्वावलंबन से स्वरोजगार की इबारत लिख रहे हैं आशीष कुमार ये डिफरेंट एग्जाम्पल्स दिए जाते हैं तो अगर न्यूज में ये बार बार आ रहा है तो इसका मतलब कि कहीं ना कहीं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी आपके लिए ये न्यूज कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट हो जाती है तो चलिए एक बार फिर से डिस्कस कर लेते हैं ठीक है तो स्वावलंबन योजना के बारे में जो हमने किया था कि ये स्टार्ट की गई थी किसके द्वारा सीएम के द्वारा और जो एज ग्रुप इसके लिए अवेल कर सकते हैं इसको अपॉर्चुनिटी को वो 18 टू 45 का रहेगा इंडस्ट्रीज में सर्विस सेक्टर में और बिजनेस में ये सारे के सारे जो हैं अंडर दिस स्कीम जो है वो कवर होंगे और अप्रोस प्रियड सब्सिडी भी प्रोवाइड की जाएगी फ्रॉम द साइड ऑफ गवर्नमेंट और ऑन द बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट तो इसमें जो है वो प्रोजेक्ट में एलिजिबल है टू सिक्सटी लैख तक का जो है प्रोजेक्ट है अंडर दिस स्कीम और अपार्ट फ्रॉम दिस इसमें जो है थर्टी फाइव परसेंट सब्सिडी का प्रोविजन रखा गया है विडोज के लिए थर्टी परसेंट सब्सिडी का प्रोविजन रखा गया है वोमेन पर्सन के लिए और इसके अलावा जो रेस्ट ऑफ द पीपल बच जाते हैं और हैं उनके लिए 25% परसेंट का सब्सिडी रखी गई है 40 लाख रुपीज में अप टू 40 लाख रुपीज में और ऐसा नहीं है इसके साथ ही साथ 5% परसेंट जो है रिबेट भी मिलेगा इंटरेस्ट में तीन सालों के लिए जो लिया गया है लोन अप टू 40 लाख रुपीज का ये सारे के सारे जो प्रोविजन है वो किसमें आते हैं आपके स्वावलंबन योजना के अंदर और ऐसा नहीं है इसके अलावा आपको जो है वो लैंड अलॉटमेंट भी करवाई जाएगी सरकार के द्वारा कम से कम दामों में चीपर रेट्स में ऑल द रेजिडेंट ऑफ द स्टेट मस्ट टेक एडवांटेज जितने भी जो थाई निवासी हैं हिमाचल के राज्य के वो सारे के सारे इस अपॉर्चुनिटी को अवेल कर सकते हैं तो दिस इज ऑल अबाउट द स्वावलंबन योजना और जो इस वीक की इंपॉर्टेंट न्यूज थी गिरिराज न्यूज़पेपर की उनको हमने वन बाय वन डिस्कस किया एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स थे या मेंस पर्सपेक्टिव से जो भी स्कीम्स आपके लिए इंपॉर्टेंट थी उनको हमने वन बाय वन डिस्कस किया होप यू ऑल आर डूइंग वेल सी यू इन द नेक्स्ट क्लास टिल देन बाय बाय थैंक यू